बता देते हैं, एसपी आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह ने घालमेल किया है, 45 दरोगा सिपाहियों के तबादले कर दिए हैं, अपने तबादले के बाद सभी के तबादले कर दिए, डीआईजी ने रद्द किए सभी तबादले। खबर आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर एसपी त्रिवेणी सिंह ने घालमेल किया, 45 दरोगा सिपाहियों के तबादले कर दिए, अपने तबादले के बाद किए हैं सभी के तबादले, और इसी को लेकर भी डीआईजी ने सभी तबादलों को रद्द कर दिया है। और इस पर अधिक जानकारी ले चुके संवाददाता वीरेंद्र प्रताप शर्मा। वेदेंद्र, जिस तरीके से जो एसपी ने तबादले किए हैं, लेकिन इसको लेकर भी डीआईजी तबादले जो किए थे वो सब रद्द कर दिए हैं? जी बिल्कुल, आजमगढ़ में इस तरीके के तबादले जो त्रिवेणी सिंह द्वारा किया गया था, मैं बता दूं जिस तरीके से बिजनौर की एसपी के ट्रांसफर के बाद जिस तरीके से अधीनस्थों को ट्रांसफर किया, उसी तरीके से आजमगढ़ में भी त्रिवेणी सिंह ने अधीनस्थों का 45 जो लोगों का ट्रांसफर कर दिया था, और सूची बाकायदा मीडिया सेल पर जारी की गई थी, और जो कि ट्रांसफर उनका शाम को 6 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह जो है ये ट्रांसफर की लिस्ट जारी की गई थी। उस मामले को संज्ञान में लेते हुए डीआईजी ने जहां उनका 16 अगस्त को साधारण आदेश को निरस्त कर दिया, वहीं पुलिस अधीक्षक को इस बात को निर्देश दिया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वेदेंद्र जानकारी देने के लिए। तो डीआईजी ने सभी तबादलों को फिलहाल रद्द कर दिया है। तो एसपी आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह ने घालमेल किया और उन्होंने एक साथ 45 दरोगा सिपाहियों के तबादले कर दिए, यानी अपनी तबादले के साथ सभी के तबादले कर दिए। और खबर